नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद्वान खड़े। संजय सिंह को ईडी ने बुला लिया पूछताछ के लिए और अरेस्ट कर लिया। अभी ये खबर पुरानी हो गई, इसका विश्लेषण क्या करें? विश्लेषण आने वाले खबरों का, जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट होंगे, उसके बाद तुरंत नंबर लगेगा अभिषेक बनर्जी का, फिर स्टालिन के नजदीकी लोगों का, और उसके बाद बिहार में जो भी लोग जिनके रडार पे है, जो नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी है, उनको रगड़ा जाएगा। खबर ये एडवांस में बता रहा हूं, 2024 के चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन के 60% नेता जेल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर इसकी परिणति क्या होगी वो भी अभी बता रहा हूं। इसकी परिणति ये होगी कि आपातकाल जब इंदिरा गांधी ने घोषित किया तो कई नेता विपक्ष के जेल से चुनाव लड़े और डंके की चोट पे जीत के आए। इस बार भी अघोषित आपातकाल में भी यही होगा, लोग तो जेल जाएंगे और जेल से जीत के आएंगे, क्योंकि अब जो लोग जेल में जा रहे हैं उनका राजनीतिक स्ट्रेचर बढ़ रहा है। भाजपा भले ही कहे, प्रवक्ता सुबह शाम गोदी मीडिया पे चिल्लाते रहे कि आदमी कितना भी बड़ा हो, कानून अपना काम करता है। कानून टॉमी हो गया है, ईडी टॉमी हो गया है। यदि ईडी को अरेस्ट ही करना होता, ये जो केस बना है आज संजय सिंह का, बहुत ही हास्यास्पद है। एक दारू का ठेकेदार दिनेश, वो कहता है कि मुझे मुख्यमंत्री के घर पे सिसोदिया को मिलवाया गया, संजय सिंह को मिलवाया गया, संजय सिंह ने मुझे सिसोदिया जी से मिलाया, सिसोदिया को मैंने पार्टी फंड में 32 लाख रुपए चेक से पेमेंट किया। ईडी का कहना होगा कि जो दारू का स्कैंडल हुआ, जो दारू का ठेका दिया गया, शायद इस दिनेश को ऑब्लाइज किया गया, उसके एवज में इसने पार्टी को चंदा दिया। लेकिन ये ट्रेल आप जब तक ढूंढोगे, क्योंकि इसमें नंबर दो का तो पैसा नहीं, सब नंबर एक में गया। और यदि हमारे देश में जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उसकी सच्चाई यदि लोगों के सामने आ जाए, नरेंद्र मोदी यदि बहुत अपने आप को ईमानदारी का ध्वजवाहक कहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सेनानी कहते हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में भी जनता के बीच में क्लियर करना चाहिए। कोई और करे ना करे, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ईमानदार पार्टी होने का ढोंग रचाती है, उन्होंने तो पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से किन किन कंपनियों ने उनको चंदा दिया ये बताना चाहिए। इससे पता पड़ेगा कि किन किन कंपनियों ने, किन किन राज्यों में सरकारों ने ऑब्लाइज किया, जिसका रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में दिया। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड किसने दिए, किसको दिए, ये अभी भी गुप्त ने चुपचाप किसी को नहीं बताया, सीक्रेट बना के रखते हैं। कुल मिलाकर ईडी का उपयोग, हमें लग रहा था कि संजय मिश्रा जाने के बाद कुछ गड़बड़ होगी, कोई पता नहीं, नए लोग अधिकारी आते हैं, लेकिन ये बात साबित हो गई कि दारू वही पुरानी है, बस बॉटल बदल गई है, तेवर वही है, बस अधिकारी बदल गया है। अधिकारी है राहुल नवीन, ये 93 के बैच के अधिकारी है, IRS ऑफिसर इनकम टैक्स में। अभी जब अरेस्ट करेंगे केजरीवाल को, वो भी 93 के ही अधिकारी है IRS के, वो भी इनकम टैक्स में थे। बड़ा मजा आएगा देखने और सुनने में, लेकिन अब लंबी रोज ब्रेकिंग न्यूज आएगी, कौन कहां विश्लेषित हो गया। अब ये ईडी का उपयोग, हमने पहले भी कई बार कहा था विभिन्न कार्यक्रम में, मैं कहता आ रहा हूं कि अब सरकार लगातार ईडी, इनकम टैक्स भी आए, इसका प्रेशर बढ़ाएगी, क्योंकि 2024 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं और सरकार जैसा जैसा अपना स्टेक रोज दिन प्रतिदिन खो रही है, उसमें से 2024 में हार एकदम दीवार पे लिखी हुई दिखाई देती है। ऐसे में यदि आपको जीतना है तो आपको अपनी लाइन बड़ी तो नहीं कर सकते, तो दूसरी की लाइन छोटी करनी होगी, उन्हें बदनाम करना होगा कि वो भ्रष्ट है, उन्हें जेल में डालना होगा, बिना उनके उनकी पार्टी को चुनाव लड़वाना होगा,
और फिर देखेंगे कि हम ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तमाम पैसा बाहुबल धनबल सब करने के बाद और फिर पन्ना प्रमुख और बाकी चीजें तो है इसके भरोसे सत्ता में वापस कैसे आते। लेकिन बार बार मैं कहता हूं इस देश की जनता 143 करोड़ ये अशिक्षित है, ये अज्ञानी हो सकती है, ये प्रताड़ित हो सकती है, ये परेशान हो सकती है, ये रोज के समस्याओं से जूझती हुई नजर आती है, लेकिन मूर्ख जरूर नहीं। इंदिरा गांधी जो नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी उनको भी यही अहंकार हुआ था, और जब उन्होंने इमरजेंसी लाई आपातकाल लाया तो इसी देश की उस जनता ने उनको आईना दिखा दिया और घर भेज दिया था। ये बात मैं कोई मनगढ़ंत नहीं, ये इतिहास है और ज्यादा पुराना नहीं। इस इतिहास को बार बार आपके सामने उजागर भी करते रहते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन नोइंगली और अननोइंगली अनजाने में सही मोदी जी इंदिरा गांधी जी के उस अहंकार और तानाशाही प्रवृत्ति में घुस गए हैं। यही कारण है कि बहुत ही छोटी बात, क्योंकि आज सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई हुई सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री थे वो जेल में है पिछले करीब कई महीनों से, सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा यदि ये चंदा चेक से लिया गया है और किसी ने चंदा दिया गया है तो इसमें आप गलत क्या देख रहे हैं, इसमें ईडी का केस कौन सा बनता है, हियरिंग कल बरकरार रहेगी, कल कुछ नतीजे आ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पहले भी ईडी को बहुत बड़ी फटकार दी थी, ईडी को कहा M3M में के केस में, एक बिल्डर के केस में, कि आप कृपया ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से काम करें, आप पक्षपात पूर्ण रवैया छोड़ दे, आप बदले की भावना से काम करना छोड़ दे, और ये टिप्पणी नहीं ये निर्देश था कोर्ट का। जब बोपन्ना जी के दो मेंबर के बेंच ने ये बात कही तो लगा कि ईडी सुधर जाएगी, लेकिन फिर उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। ईडी के अधिकारी भी ना समझ नहीं है, उन्हें भी पता है कि ये जो केस अनिल देशमुख का बनाया था वो बनी नहीं रहा था, उन्हें भी पता है कि संजय राउत को जब अरेस्ट किया था वो भी केस बन नहीं रहा था, लेकिन ऊपर से आदेश था तो उठाओ अंदर डालो, उठा लिया अंदर डाल दिया, जेल में रहे। लेकिन दोनों नेताओं के तेवर कम नहीं हुए, दोनों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दोनों लगातार लड़ते रहे, और जब जमानत मिली तो कोर्ट ने कहा दोनों केस में कि केस बनता कहाँ है जो इनको अरेस्ट किया, लेकिन वो मामला जमानत का था तो जमानत तो मिल गई। अब दोनों का केस चल रहा है, सालों केस चलेगा, उसके बाद कोर्ट से रिहा होंगे, लेकिन जो एक साल का प्रताड़ना उनको झेली, जो बदनाम करने का प्रयास किया, 100 करोड़ का आरोप लगाया अनिल देशमुख पे वसूली का, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन 9 करोड़ का हुआ और चार्जशीट में 1,40,00,000 का आरोप लगा। यह है ईडी, ईडी जिसका प्रोसिक्यूशन रेट 0.05 भी नहीं है, वो लगातार राजकीय नेताओं पे भ्रष्टाचार के नाम पे सिर्फ विपक्ष पे हमले बोलती है। लेकिन अब जनता जब कोई राजकीय नेता जेल में जाता है तो ये जरूर कहती है कि ये भ्रष्टाचारी नहीं होगा, ये मोदी जी के सामने सीना तान के खड़ा होगा, शायद मोदी जी इसके कद को देख के तकलीफ में आए, इसके सवालों को झेल नहीं पा रहे हैं, इसके हमलों को झेल नहीं पा रहे हैं। ये जब सरकार को आरोप लगाते हैं उसके जवाब सरकार के पास नहीं है तो फिर आरोप लगाने वालों को ही आरोपित बना के जेल में डालो, ऐसा ही एक केस है। मुझे ताज्जुब लगता है यदि संजय सिंह ने मात्र उस दारू के ठेकेदार को मिलवाया है सिसोदिया को और सिसोदिया के पास उस दारू के ठेकेदार ने 32,00,000 का चेक दिया तो संजय अंदर है। अब इसी बिना पे अरविंद केजरीवाल भी, जो मैंने कहा कि बहुत जल्दी अंदर जाएंगे क्योंकि उन्होंने उस ठेकेदार को संजय सिंह से मिलवाया था, एक कथावाचक स्पिरिचुअल गुरु आसाराम बापू जेल में, उसी आसाराम बापू के साथ हमारे देश के सर्वोच्च नेता का कई वीडियो है जहां वो आसाराम बापू के सामने नतमस्तक होते आ रहे हैं। क्या आसाराम बापू के साथ उन्हें भी जेल जाना चाहिए? कतई नहीं, क्योंकि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
आसाराम बापू जी के पास गए थे, तब उन्हें मालूम नहीं था कि व्यभिचार के केस में एक दिन इन्हें जेल होगी। वो तो संत समझ के गए थे। तो क्या संजय सिंह को यह पता था कि जिस विनोद को वो लेके जा रहे हैं, विनोद जो चंदा दे रहा है, वो कोई भ्रष्टाचार का चंदा होगा जो आप संजय सिंह को अंदर कर रहे हैं? मैं कतई नहीं मानता कि फिर नरेंद्र मोदी जी पे कोई आरोप लगने चाहिए, क्योंकि मोदी जी जब नतमस्तक हुए थे तब उन्हें पता नहीं था कि आसाराम बापू व्याभिचारी भी होंगे। नहीं तो मैं मोदी जी को जितना जानता हूं, मैं मानता हूं कभी भी व्याभिचारी के साथ कम से कम स्टेज पे नतमस्तक तो नहीं होंगे। हाँ, साथ हो सकते हैं, क्योंकि अभी गोंडा के सांसद का जो केस है उसमें तो दिखाई देते हैं, लेकिन फिर उनका उनका दोष नहीं। यदि उस केस में मोदी जी आसाराम बापू के साथ है, उनको बापू कहते हैं, उनके साथ नतमस्तक होते हैं, मैं ये कतई नहीं इससे जोड़ता कि वो उनका मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी वजह से उनकी फॉलोइंग बढ़ रही है, तो कल ये व्यभिचारी साबित होंगे तो मोदी जी की भी गलती है, मोदी जी की कतई गलती नहीं। तो क्या संजय सिंह की ये गलती हो सकती है? यदि संजय सिंह ने एक दारू के ठेकेदार को मुख्यमंत्री के कहने पे सिसोदिया जी को मिलवाया और उसने उसको पार्टी के फंड में चेक से 32 लाख रुपए दिए, तो फिर संजय सिंह गुनहगार कैसे? और यदि संजय सिंह गुनहगार है तो फिर मोदी जी भी गुनहगार है। लेकिन मैं नहीं मानता कि मोदी जी गुनहगार है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी नहीं मानता कि मैं संजय सिंह गुनहगार है। लेकिन अब 2024 तक ऐसा ही चलेगा। इस देश में अब एक ऐसा अघोषित आपातकाल है जिसमें सरकार को सवाल पूछने वाले का मुंह बंद कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा संजय सिंह तो शुरुआत है, शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई है, लेकिन अब बहुत जल्दी है, क्योंकि नया नया मुल्ला रोज नमाज पढ़ता है, ये कहावत है। ऐसे ही अब नए नए डायरेक्टर नवीन साहब आए हैं, तो अब वो अपना वर्थ प्रूव करेंगे और रोज अरेस्ट ही होगी, कई लोगों की अरेस्ट ही होगी। लेकिन इसके बाद जनता जनार्दन है, वो तय करेगी सही क्या है गलत क्या है। लेकिन ये जो गलत और सही, जो मैंने आसाराम बापू का उदाहरण दिया, जो मैंने संजय सिंह का उदाहरण दिया, इसके विश्लेषण करने के लिए ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। आप उसको बेहतरीन तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं, सही कौन गलत कौन। यदि ये सही तो वो भी सही, और यदि ये गलत तो वो भी गलत। ये मान के मैं तो चल रहा हूं, मुझे भी विश्वास है कि मैं प्रधानमंत्री को गलत नहीं मान रहा हूं, तो मैं संजय सिंह को भी गलत नहीं मानता। लेकिन अब न्यायपालिका है, न्यायपालिका इसका दूध का दूध पानी का पानी करेगी। कम से कम नवंबर तक तो, चंद्रचूड़ जी जब तक है तब तक तो न्यायपालिका से उम्मीद लोगों की बंधी हुई है। ऐसे ही कुछ खबर के साथ फिर कल आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।